बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है सेपरेट, फिनेट, इनफिनेट एंड एम्प्टी सेट। अब इसमें तीन उसने सेट के बारे में पूछा है। फिनेट मीन जो लिमिटेड हो, जिसको हम काउंट कर सकें। इनफिनेट अनलिमिटेड एलिमेंट्स। एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट इन द सेट। तो ये मैंने आपको फिर एक दफ़ा रिवाइज कर दिया, पहले भी हम इसको लर्न कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, आप इसकी डेफिनेशन को ज़रूर याद रखें। उसने कहा है द सेट ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान, द सेट ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान। एज यू नो स्टूडेंट, पाकिस्तान में कितने रिवर हैं आप काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास है फिनेट सेट। सेकंड पार्ट भी आप क्वेश्चन करें, आंसर करें, आपको उसकी रीज़न मालूम होनी चाहिए, क्योंकि सम टाइम जो एग्जामिनर होता है वो आपसे रीज़न भी पूछ सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट, जब नेचुरल की बात होती है तो हम सोचते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और इसने अनलिमिटेड इसमें पूछा है। फिनिट सेट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इनफिनिट सेट। इनफिनिट, इसमें एलिमेंट की जो तादाद है अनलिमिटेड है। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑन मून। स्टूडेंट, आप जानते हैं मून पे लिविंग थिंग्स सर्वाइव करती हैं? नो। तो ये हमारे पास है एम्प्टी सेट। चांद पे कोई हमारे पास नंबर ऑफ पीपल नहीं है, तो इसलिए कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसमें उसने फिनेट, इनफिनेट और एम्प्टी सेट के बारे में हमसे प्रैक्टिस करवाई है, जो मैथमेटिशियन है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं। इससे पहले डेफिनेशन आपने ज़रूर लर्न करनी है। इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। अल्लाह हाफिज़।